बैक टू यूडीज बस गाइस एंड मैं नाम डॉक्टर उदय है और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो एक वायरस है जो काफ़ी सालों पहले नज़र में आया था इंडिया में स्पेशली, तो उसका नाम है ईबोला वायरस। चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से क्या हुआ था, कैसे ये वायरस लोगों की नज़र में आया। तो ईबोला वायरस से जो बीमारी होती है उसे ईबोला वायरस डिजीज कहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट लोगों की जान ले ही लेता है। एक फैटल कंडीशन है डेफिनेटली, अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं मिला तो डेथ होना श्योर है। दूसरी बात, इसे हीमोरेजिक फीवर भी कहते हैं। हीमोरेजिक फीवर यानी कि ऐसे फीवर जहाँ पे आपको बुखार आता है, उसके साथ साथ ब्लीडिंग होती है, एक्सेस ब्लीडिंग होती है और लोगों की डेथ हो जाती है। ये बात 1976 की है, जब कांगो और सूडान के कुछ जगहों पर ऐसी बीमारी के लक्षण नोट किए गए थे, लेकिन ये उतना बाहर नहीं आ पाया, लोगों की नज़रों में नहीं आ पाया। उसके बाद 2014 और 15 के आसपास साउथ अफ्रीका के कुछ स्टेट्स में ये बीमारी नोट की गई, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसका आउटब्रेक यानी प्रकोप देखा गया था। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि ट्रांसमिशन यानी फैलता कैसे है। देखिए, इबोला बेसिकली जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है, और जानवर वो भी कैसे जानवर, बंदर, चिंपैंजी, इसके अलावा फ्रूट बैट जो एक अलग तरह के चमगादड़ होते हैं जो फलों पर रहते हैं। अफ्रीका के लोग इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, खाते हैं, उनके कच्चे मीट्स खाते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं वो सफ़र कर रहे थे। The government said nobody should eat bush meat. If Ebola was here, might stem from the prevalent consumption of bush meat from animals like monkeys and fruit bats. The scientific concerns surrounding इंसानों में आने के बाद ये बीमारी इंसानों से इंसानों में ट्रांसफ़र होने लगी या फैलने लगी। तो अगर हम WHO की गाइडलाइंस को देखें तो उसमें ये भी मेंशन है कि प्रेग्नेंट लेडीज, जो प्रेगनेंस होती है फीमेल्स, उनके प्लेसेंटा से भी कहीं ना कहीं बच्चे में भी हो सकता है। और इंसानों में ट्रांसमिशन होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आइसोलेट ना हो पाना। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आइसोलेट होना पड़ता है, आपको सेपरेट होना चाहिए ताकि बीमारी और लोगों को, आपके फैमिली मेंबर्स को ना फैले। तो अब बात करते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कैसे आपको पता चले कि ये इबोला वायरस के सिम्टम्स हैं। देखिए, डेफिनेटली इसकी शुरुआत फीवर से ही होती है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है लोगों को फाइंड आउट करने में कि स्टार्टिंग स्टेज में अगर आप फीवर हैं तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि ये इबोला वायरस है। फीवर, हीमोरेज यानी ब्लीडिंग भी होगा आपको इसके साथ, बहुत फटीग यानी कमजोरी, वीकनेस, माइल्जिया जहाँ पे आपको सीवियर मस्कुलर पेन होगा, इसके साथ साथ आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी नेजल इन्फेक्शन, नाक के इन्फेक्शन हो सकते हैं, सोर थ्रोट, गले की खराश, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो कहना मुश्किल है कि स्टार्टिंग के स्टेज में या पीरियड्स में आप इसको ईजिली डायग्नोज कर पाएंगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हालांकि ये कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है लाइक टाइफॉइड या मलेरिया के फीवर जैसी, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट डेफिनेटली होता है ये। और अगर बात करें इनक्यूबेशन पीरियड्स की, लाइक इनके सिम्टम्स 7 से 21 दिन के अंदर इनके सिम्टम्स डेफिनेटली आपको आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं फैटल होते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट, इबोला के ट्रीटमेंट क्या है, इबोला वायरस डिजीज़ के ट्रीटमेंट क्या है। तो थोड़ी निराशाजनक बात है कि कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट तो है नहीं, अभी तक तो कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें आपको ट्रीट करना होता है, फीवर्स को ठीक करना होता है। दूसरी बात, आपके बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करना होता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, कैसे लोगों को या ऐसे पेशेंट्स को आइसोलेट करके रखा जाता है, आइसोलेट यानी कि उनको लोगों से अलग करके रखा जाता है ताकि ये बीमारी उन लोगों से औरों को ना फैले। अगर हम बात करें इंडिया और इबोला की, तो 2014 से पहले कोई ऐसी कंडीशंस नहीं देखी गई थी इंडिया में। 2014 में एक केस नोट हुआ जहाँ पे एक 26 साल के आदमी को पॉजिटिव पाया गया इबोला वायरस से, और वो आदमी लिबेरिया में काम करता था, तो ऐसा मानते हैं कि शायद वो लिबेरिया से उस चीज़ को सफ़र कर रहा था और वो इंडिया में आया था। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं कुछ स्लाइड्स जहाँ पे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है सबसे बड़ी, उन्होंने इबोला को लेके क्या अपडेट्स दिए हैं, क्या अवेयरनेस फैला है, आपको क्या पता होना चाहिए। जो कि